तो पिछली बार लात घुसे खाने के बावजूद भी मैं आ चुका हूँ दोबारा से अपने बुड्ढी और बुड्ढे के घर में। पता नहीं क्यों, शायद मुझे मार खाने में बहुत मजा आता है। एनीवेज, तो बढ़ते अपने गेम की तरफ। तो पिछली बार ये लोग ने मुझे सिर्फ लात घुसे से मारा था, लेकिन इस बार पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे। शायद उल्टा लटका के पिछवाड़े पे डंडे डंडे बरसा दे, क्या पता। चलो कोई ना, देख लेंगे अब जो होगा। फाइनली अपना डे वन तो आ चुका है, चलो फिर चलते घर के अंदर, और क्या। ऑल राइट, तो हम लोग उठ चुके हैं अपने जेल के अंदर, तो बस अब किसी देर की बात है, फटाफट से लॉक उठाते। चलो यहाँ पर तो कुछ रखा नहीं रहेगा, फिलहाल लॉक पिक उठाते। दरवाज़ा खोल भाई, खोल खोल, जल्दी खोल, इससे पहले कोई आ जाए भाई। जेल के अंदर ही चालू होते मार दे, निकल यहाँ से पहले, फटाफट खुल जा भाई, जल्दी भाई। एक तो 10 घंटे तो इस खोलने में लेगा। चल खुल जा, खुल गया, चलो चलो निकलो भाई इसके अंदर से। इसके अंदर कुछ रखा है? नहीं रखा रहेगा, क्यों रखेंगे भाई। ऑल राइट, इसके अंदर ना भाई, इसमें भी कुछ नहीं पड़ा है, बस वो कंकाल रखा हुआ है जिसको भाई ये लोग ने पता ही नहीं कितना टॉर्चर करके मारा रहेगा। भाई ऐसी हालत मेरा ना कर दे ये लोग तो अच्छा है। फिलहाल तो आज मैं एकदम ये लोग को मारने के मूड में आया, ये लोग को भाई सब कुछ बताऊंगा। अरे बुड्ढे, क्या हाल चाल है भाई, देखा नहीं, देखा नहीं इसने। वैसे भी है तो अकल का अंधा है। अबे लॉल भाई, दरवाज़ा खोल के वहाँ कहाँ भाग रहा है, ये क्या बात हुई। दरवाज़ा इधर का खोल रहा है और जा उधर रहा है। फिलहाल के लिए ग्रेनी तो नहीं आ रही है। इसके अंदर कुछ रखा है? नहीं कुछ नहीं रखा है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे माचिस तो मिल चुकी है, तो इस माचिस को मैं यहीं पर फेंक देता हूँ, बाद में कभी काम आया तो यूज़ कर लेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पर मैं वो ढूँढ रहा हूँ, प्लैंक पट्टा, पर मिल नहीं रहा है, मिल जाता तो अच्छा होता था। एंड फिलहाल के लिए यहाँ पर कुछ भी रखा नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले ना अपने को एक थोड़े बहुत पत्थर जमा कर लेता हूँ, क्या पता हम लोग को वेपन मिल जाए तो उसी से मारने के लिए काम आ जाएगा, फिर कौन ढूंढते बैठेगा। तो फिलहाल के लिए इसको खोल के देख लेते हैं, क्या पता इसके अंदर कुछ मिल जाए। भाई ग्रेनी नहीं मिलनी चाहिए बस, नहीं कोई भी नहीं है, रास्ता एकदम साफ है। फटाफट से यहाँ पर छानबीन करते और निकलते हैं, इससे पहले कि कोई वो बुड्ढा और बुड्ढी दोनों में से कोई एक आ जाए। भाई देखो, बुड्ढी का तो एक बार के लिए मैं उसको चकमा दे सकता हूँ, लेकिन बुड्ढे के पास है बंदूक तो मेरे को खड़े खड़े पेल देगा। तो अरे यहाँ पर फायर उड रखा है, चलो फायर उड मिल गया। एंड माचिस का भी तो अपने को पता ही है, घर के बाहर रखा है, तो चलो अपना एक काम तो बेस्ट हो चुका है। इसके अंदर कुछ ओ भाई साहब, भाई ये तो हो गया काम अपना। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है ना, कोई बात नहीं, चालू कर लेंगे। फिलहाल के लिए तो अपने को भाई ओपी चीज़ मिल चुकी है, द वेपन की, तो बस अब करना कुछ नहीं है, बस ये लोग को चकमा दे के मैं कैसे भी ऊपर पहुंच जाऊं। उसके बाद फिर तो भाई ख़त्म, फिर तो ना बुड्ढा बचेगा ना बुड्ढी बचेगी। फिलहाल के लिए मुझे कुछ रास्ता ढूंढना पड़ेगा, एंड उससे भी पहले मैं थोड़े से पत्थर कलेक्ट कर लेता हूँ, ताकि भाई बाद में मेरे को मच ना करना पड़े पत्थर के लिए। अभी तक एक ही पत्थर मिला है भाई। ये नॉर्मल मोड पे पता नहीं क्यों ऐसे होता है कि पत्थर भी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है भाई, बहुत ढूंढने के बाद कुछ गिने चुने पत्थर मिलते हैं। देख रहे हो, पूरा राउंड मान लिया, एक पत्थर और नहीं पड़ा हुआ है। अब क्या बोलूँ मैं, सिर्फ एक ही पत्थर मिला है, एक पत्थर से काम तो नहीं होगा ना। चलो कोई ना, ऊपर चल के देखते फटाफट से। अब यार ग्रैनी भी तो ऊपर जा रही है, अब क्या करूँ मैं, कैसे इसको चकमा दे सकते हैं हम लोग। भाई ग्रैनी का तो ठीक है, वहीं पर बूढ़ा भी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो वहीं पर। अरे यार देख ले भाई, बुड्ढी देख ली मेरे को, बुड्ढा नहीं देखा वो अच्छा, नहीं तो पीछे से भाई कान पट्टी पे एक बंदूक मार के देता ना गोली, वहीं पड़ा मरा रहता मैं। फिलहाल के लिए तो अभी बुड्ढा तो देखा नहीं है, बस ये बुड्ढी पीछे पड़ी हुई है। इसको तो चकमा, अरे नहीं नहीं आ रही आ रही, इसको चकमा दे सकते हैं, अभी भी टाइम है, हम लोग निकल सकते हैं, जाए ट्राई कर सकते हैं, बस सामने से बुड्ढा ना मिल जाए यार, नहीं तो सीधा कान पट्टी पे वो लगाएगा खींच के। नहीं है नहीं है, रास्ता एकदम साफ है भाई, रिस्क है तो इश्क है, चल दे भाई चल दे, जो होगा देखा जाएगा। भैंस की आँख, बुड्ढा नहीं 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 नहीं, नहीं बुड्ढे बुड्ढे माफ़ करते, और गोली चला रहा है इसकी भैंस की आँख। नहीं बच गया बच गया यहाँ से, अच्छा बुड्ढी भी नहीं आ रही, नहीं तो अब तक तो हो गया था मेरा काम। आगे से बुड्ढा, पीछे से बुड्ढी, दोनों मिल के भाई मेरे साथ खेलेंगे गुड्डा गुड्डी। हो भाई राइम हो गया ये तो। ऑल राइट, फिलहाल के लिए अभी सब कुछ ठीक है, अभी तक तो मैं सेफ बचा हूँ। एंड उसके बाद कुछ दिक्कत तो है भाई, अभी कहाँ गया वो बुड्ढा, शायद नीचे गया, रिस्क ले ले क्या एक बार। चलो भाई जो होगा देखा जाएगा, एक बार रिस्क तो बनता है, मरेंगे और क्या ही कर लेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ से ग्रैनी भी नहीं दिख रही है और ना ही बुड्ढा दिख रहा है भाई, चल हो जाएगा, कर ले हो जाएगा भाई, बस ये लोग देखे ना बस, और कुछ नहीं। ओके ओके भाई, एकदम सेफ है, अब तो गया भाई, बस हो गया ख़त्म, अब होगा मौत का खेल यहाँ पर। आजा बेटे आजा, कहाँ गया, अब कौन आ रहा है, जल्दी आओ फटाफट से, मैं तुमको बताता हूँ बंदूक वाला किधर गया, वो सुकड़ा बुढ़ाऊ। आजा भाई तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ मैं, फटाफट से आ गया बुढ़ाऊ, आ गया, ले भाई आजा आजा, तेरे तो इंतजार कर रहा था। चल अब बुड्ढा मरा है तो बुड्ढी भी आती होगी पीछे दौड़ दौड़ के, बस जल्दी आनी चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ 1.5 मिनट का टाइम है। आ जा, बहुत बढ़िया,
अरे नहीं यार, इस तो वेस्ट हो गया। चलो कोई ना, अपने पास तो बंदूक है, इसको बंदूक से मारेंगे, ये ले स्पेशल तेरे लिए। बस खुश, अब गुस्सा मत करना। चलो फाइनली अपना ये सब तो हो गया, बुड्ढे और बुड्ढी को दोनों को ठिकाने लगा दिया। अब बस थोड़ा सा छानबीन करते हैं प्रॉपर वाला। फिलहाल के लिए मैं बंदूक अपने साथ लेके जा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग को काम आएगा वहाँ पर, ये ग्लास तोड़ना है। ग्लास तोड़ देंगे तो अपने को और भी थोड़ी चीज़ें मिल जाएंगी। अरे लॉल यार, मैं तो भाई गोली लाना भूल गया, अब क्या वापस से जाना पड़ेगा, टाइम वेस्ट हो गया भाई मेरा। चलो कोई ना, अब चलते फटाफट से, और कोई ऑप्शन भी नहीं है। फिलहाल के लिए गोली तो रखी होगी वहाँ पर, टेबल पे मैंने देखा था, तो यहाँ से उठा लेते फटाफट से, या यहाँ 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 पर ले लेते। चलो भाई, अब तक तो वो लोग जिंदा भी हो गए होंगे यार, अब क्या करूँ मैं। चलो कोई ना, जो होगा देखा जाएगा। अपनी ज़िंदगी भी इसी पे चल रही है, जो होगा देखा जाएगा, तो इस पे भी यही ट्राई करते गेम में भी, और क्या। ऑलराइट भाई, आवाज़ होगा तो ग्रैनी तो दौड़ते दौड़ते आएगी बुड्ढी। चल हो गया अपना काम, निकलते हैं अंदर। इसके अंदर क्या मिल सकता है, गैस? ओ फ्यूज़ मिल चुका है। चलो कोई ना, अपन डोर एस्केप कर सकते हैं अभी, बस फ्यूज़ मिलने से डोर एस्केप हो जाएगा। ओके, शॉटगन में एमो नहीं है फिलहाल के लिए। मैं क्या करने वाला पता है, इस शॉटगन को थोड़ा सही जगह पे रखना पड़ेगा मुझे। इसको जाके हम लोग एकदम ऊपर जाके छुपा देते, ऐसी जगह छुपाएंगे भाई जहाँ बुड्ढे के हाथ में ना लगे, और जब तक मैं मरूंगा नहीं तब तक तो उसके हाथ बिल्कुल भी नहीं लगने दूंगा। तो ये ऑप्शन बेस्ट है अपने पास, कि इसको हम लोग एकदम टॉप पे छपड़े पे जाके इसको चिपका देंगे, ताकि अरे यार बुड्ढा जिंदा हो गया लॉल। भाई एमो ढूंढते पहले, इसको रखने से पहले एमो ढूंढते, एमो मिल जा कहाँ गया, यहाँ पर यहाँ पर। चल ये अच्छा है भाई, इन लोग को मारने से, बंदूक रखने से अच्छा थोड़ा सा इसको ट्राई कर लेते हैं एक और बार। कहाँ गया बुड्ढे? बुड्ढे आजा, तेरे को बताता हूँ मैं, आजा डूब जा मेरी आंखों के ओशन में, बुड्ढे स्लो मोशन में आजा। जल्दी आ तू, बस तेरे को मारना है बस, और कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ दर्द वर्द नहीं होता। अरे बुड्ढे मैं बताता हूँ ना तेरे को, इधर आ, बहुत मारता है ना तू, तेरे को बताता हूँ दर्द क्या होता है। इधर आ, कहाँ गया ये, दिख ही नहीं रहा यार भैंस की यार किसकी। आजा भाई बुड्ढे, तेरा ही तो इंतज़ार कर रहा हूँ मैं भाई, ऐसे नखड़े करेगा तो कैसे चलेगा। चलो बुड्ढा तो नहीं आया, लेकिन बुड्ढी आ गई भाई, तो बुड्ढी को ही फेल देते, उसके बाद क्या। अभी इसको इसको मारा है ही, तो वो भी आता ही होगा कहीं, कहाँ गया वो। आ जा भाई आ जा, बहुत बढ़िया, इसने टाइम वेस्ट नहीं करवाया मेरा। अब चलते सबसे पहले ना शॉटगन को सही ठिकाने पर लगाते, ताकि ये बुड्ढे के हाथ में ना लगे। सुखड़े बुड्ढे को देख लेंगे, फिलहाल वो नाक बहती हुई बुड्ढी भी सोई रही है, तो अपना काम बहुत आसान हो चुका है। बस इसको एकदम सेफ रखते, और अब कोशिश करूँगा कि एक बार भी मरूँ ना, क्योंकि अब मैं मरूँगा ही नहीं तो फिर शॉटगन उसके हाथ में लगेगा ही नहीं, एंड मैं एकदम चिल होके पूरा इजीली एस्केप कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो चलते फटाफट से, इसको भी हम लोग जाके ना बाहर गिरा सकते हैं। नहीं नहीं, इसका हम लोग को एक और काम है, जो कि वाज गिरा सकते हैं ना इससे हम लोग। अभी ये लोग सोए हुए हैं, तो हम लोग इसका यूज़ कर लेते हैं, आवाज़ होगा क्योंकि। तो ये एक गिराया मेरा भाई, तुम्हारे भाई का नेम है, ठीक है। चलो एक ये गिराया, एंड एक वास इधर गिरा, गिर जा भाई। चलो फाइनली वास का काम तो हो चुका है। अब ये ज़्यादा आवाज़ वाले काम जो भी थे वो अपने हो चुका है, जैसे कि वो ग्लास तोड़ना हो गया, वास गिराना हो गया, बस अब करना कुछ नहीं है। अब मैं जा रहा हूँ इस स्लिंग शॉट को नीचे फेंकने, ताकि ये बाहर ही रहेगा तो मेरे को बाद में ईजी पड़ेगा पिकअप करने के लिए। ऊपर ऊपर कहीं छोड़, इसके पास क्या शेड की है शायद से, आई थिंक सो शेड की था वो, देखना पड़ेगा। फिलहाल के लिए स्लिंग शॉट तो नीचे फेंक दिया हम लोग ने, एंड इसके पास शेड की है, ठीक है। तो अभी हम, हाँ हमारे पास तो वो हो गया है ना, उसको क्या बोलते हैं, शेड की तो मिला है, एंड उसके साथ साथ अपने पास माचिस और फायर हुड भी है, तो हम लोग कौवे को भगा सकते हैं यहाँ से। फिलहाल के लिए मैं सोच रहा हूँ कि शॉटगन को एक और बार ला के जाके मार सकते, ट्राई कर सकते, यहाँ पर गोली तो होगी ना, एक और बार भाई मारने में तो मज़ा आ रहा है शॉटगन से, ठीक है। तो एक और बार ट्राई करते, आ जाओ। इसमें कुछ रखा है? नहीं रखा रहेगा यार, अभी क्या कहाँ से ढूंढ सकता हूँ मैं। फिलहाल के लिए एक बार ट्राई करता हूँ, आज मार के मार ही देते ना एक बार, क्या ही जाएगा। गोली तो अपने पास बहुत सारे हैं भर भर के, किधर गए ये लोग। आ जा बुड्ढी, या तो बुड्ढा, दोनों में से कोई एक आ जाओ, दोनों को मारना ही है मुझे। आ जा बुड्ढी, आ जा, तेरा ही तो इंतज़ार था। बुड्ढी किधर है? जा बुड्ढी को भी बुला के, पहले अकेले अकेले नहीं आने का, ठीक है। आने का तो दोनों साथ में आने का, जब तक मेरे हाथों में वेपन रहेगा तब। वेपन नहीं रहेगा तो नहीं आना, पहले बता रहा हूँ, नहीं तो दोनों मेरी मिलके चटनी बना दोगे। फिलहाल के लिए बुड्ढी कहाँ रहेगी यार, अभी बुड्ढी टाइम वेस्ट करेगी मेरा, तो 1.5 मिनट तो ऐसे ही हो जाएगा। आ जा बुड्ढी, ये ले, कैसा लगा, आ गए स्वाद। चलो फिलहाल के लिए भी हम लोग जाके जहाँ से इसको पिकअप किया था वहीं छोड़ देते। भाई देखो, हमारे यहाँ पर पिकअप एंड ड्रॉप की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो ये रहा, इसको हम लोग ने चकमा दे दिया। बस अब करना कुछ नहीं है, जो वास मिला है उनको हम लोग नीचे लेके जा सकते। एक वास यहाँ पर पड़ा है,
पर दूसरा वास आई थिंक सो यहीं पर उस लाइब्रेरी के अंदर पड़ा होगा, लाइब्रेरी रूम के अंदर, यहाँ पर ये रहा, ऊपर ही गिरा है। तो अभी मैं इसको ना नीचे फेंक देता हूँ यहाँ से इजीली। अबे टैडी भी तो रखा हुआ है, टैडी भी हम लोग अभी यूज़ कर सकते हैं। ओके ये पहले फटाफट से इस वास को लेके आते हैं, इन दोनों को हम लोग नीचे फेंक देते ताकि बाद में कोई झंझट मारी ना हो। एंड अभी टैडी को उठाते हैं, ठीक है। इसका देखो लिफ्ट बंद है तो क्या हुआ, हमारे पास एक और रास्ता है, हम लोग जाएंगे छत पे से डायरेक्ट एंट्री मारेंगे, वहाँ से उस स्लेंडरीना को उसकी औकात दिखाएंगे, उसके बाद यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। चल चल चल, अरे यार वहाँ कहाँ सीढ़ी कहाँ है, तू कहाँ जा रहा है, खाना होना है क्या बे। चलो फिलहाल के लिए भी हम लोग एकदम सेफ रहेंगे, यहाँ पर कूद कूद ही मारते आ जा। और स्लेंडरीना दीदी से थोड़ा हाय हेलो करके आते फिलहाल के लिए। अगर मेरे पास अभी ये ओपन होता ना लिफ्ट, तो हम लोग थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाता है यहाँ से भागा दौड़ी करने के लिए, लेकिन फिर भी ठीक है जो भी है। इस बार तो भाई मैं ग्रैनी और ग्रैंडपा दोनों को मैं मारने का मौका नहीं दे रहा हूँ, दोनों को खुद मैं खुद ही मार दे रहा हूँ। मज़ा आ रहा है, सेफ की मिल चुकी है, सेफ की मिल चुकी है अपने को, एंड जो कि अच्छी बात है। यहाँ से कूद जाओ क्या, पर मुझे लगता है कि अभी वो लोग जिंदा हो चुके होंगे। तो मैं देखो वहाँ पर कोई ग्रैनी गई क्या शायद से, या तो मेरा वहम था, शायद से मैंने देखा ग्रैनी को जाते हुए। कोई बात नहीं, अगर वो लोग ज़िंदा हो चुके हैं तो मैं इन लोग को मार भी तो सकता हूँ इजीली, मेरे पास है रास्ता। पहले इन लोग को मैं मार देता हूँ, ठीक है, पहले रिस्क नहीं लेते, फटाफट से चलते हैं नीचे, अपना स्लिंगशॉट गिरा हुआ है, एक बार इन दोनों को चटका देते, फिर आते आराम से सेफ की सेफ खोलते, जो भी मिलेगा सामान उसे देख लेंगे, पहले इन दोनों को एक बार मारना है, ठीक है। ये रहा मेरा स्लिंग शॉट, इसको उठाते। अरे बुड्ढा वहीं पर तो है, आजा बुड्ढे आजा, बहुत बढ़िया भाई, इसको ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। एंड अब जल्दी से, अरे बुड्ढी भी यहीं पर है, लॉल भाई मज़ा आ गया। ये तो दोनों आगे पीछे घूम रहे थे, एक मिनट, लेकिन दोनों घर के पीछे थे और अकेले में, इसका मतलब समझ रहे हो। नहीं, कुछ नहीं, गलत गंदी बात नहीं सोचना चाहिए। चलो चलते फिलहाल के लिए, इस ये दरवाज़ा को ऐसे रहने देते हैं, सेफ के अंदर देखते क्या है, कुछ अच्छा मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। क्या है इसके अंदर, अबे ट्रेन की है, ट्रेन के लिए बहुत कुछ चाहिए होगा यार। देखो अपने के लिए ट्रेन का की चाहिए होगा, एक्सेलेटर चाहिए होगा, फिर और क्या, इलेक्ट्रिक वाला कुछ, इलेक्ट्रिक वायर करके होगा वो भी चाहिए होगा, एंड उसके बाद कॉइन चाहिए होगा, तो काफ़ी सारे चीज़ लगेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि हमारे लिए डोर एस्केप करना ज़्यादा ईजी होगा, क्योंकि अपने पास फ्यूज़ है, इलेक्ट्रिक तो अपने को चालू करना ही पड़ेगा ऊपर नीचे करने के लिए, लिफ्ट से ऊपर नीचे करने के लिए, ठीक है। और राइट, यहाँ पर अपना वास का एक लेके जाते हैं, ठीक है। आई होप वो लोग अभी ज़िंदा नहीं हुए हो, तो मैं एक बार ट्राई कर रहा हूँ भाई। देखो रिस्क है तो इश्क है, बस मैं लेकिन मरना नहीं चाहता, क्योंकि एक बार मैं मरा तो फिर वो लोग उस बुड्ढे के पास अपना बंदूक ले लेगा मेरे से, जो कि मैं नहीं चाहता, फिर दोबारा कौन मारते बैठेगा उसको। वैसे मार तो देंगे ईजीली, क्योंकि अपने पास खुद ही वेपन है, लेकिन कोई बात नहीं। चलो फिलहाल के लिए एक वास रख दिया, एंड देखो अब मैं दूसरे वास के लिए पहले दोनों को टपकाऊंगा, उसके बाद लेके आऊँगा, सेफ्टी फर्स्ट, ठीक है। मेरे को कोई भी रिस्क नहीं लेना है, इजीली खेलना, क्योंकि भाई मैं इन दोनों के हाथ तो बहुत मार खा चुका हूँ, ठीक है, हद से ज़्यादा मार खा लिया, तो इसलिए मैं अभी सोच रहा हूँ कि आराम से खेलेंगे। पहले इनको चटकाऊँगा भाई थोड़ा सा। ओके मिल गया एक, यहाँ पर पत्थर है, एक और पत्थर मिल जाए फटाक से, तब इन दोनों को भाई खड़े खड़े मार दूँ, पर मिलेगा तो नहीं, लेकिन ओके मिल गया। चलो भाई नशीब, नहीं तो मेरे को लगा भी 1 घंटा इसको ढूंढने में जाएगा पत्थर, पर मिल चुका है, तो इसको उठाते हैं। आई थिंक सो 2 पत्थर काफ़ी होगा, और नहीं तो क्या, बुड्ढे के पास तो वो शॉटगन है ही नहीं, तो मेरा घंटा कुछ उखाड़ पाएगा, वो नहीं उखाड़ पाएगा। तो चलते फटाफट से यहाँ पर, बुलाते हैं उन दोनों को, कहाँ गए, यहीं कहीं नाच रहे होंगे, और क्या, नहीं कोई भी नहीं है फिलहाल के। चलो कोई ना, मैं आवाज़ कर देता हूँ यहाँ पर आवाज़ करता हूँ, वहाँ से ग्रैनी भागते हुए आएगी, ग्रैनी को मारूंगा, उसके पीछे बुढ़ाऊ भागते हुए आएगा, फिर बुढ़ाऊ को भी पेलूँगा। एक तीर से दोनों निशाने, ठीक है। चलो आजा बुड्ढी या बुड्ढा, दोनों में से कोई भी एक, वैसे आवाज़ हुआ है तो बुड्ढी पहले आएगी, आ गई, मुझे लगा ही था बुड्ढी भाई ये सब कामों में पीछे रहती नहीं है। चल बुड्ढी तो गई तो बुड्ढा भी आता ही होगा, आजा बुड्ढे बस जल्दी यार, टाइम वेस्ट मत करना प्लीज़, बहुत काम पड़े हुए। ओके आजा, कहाँ रह गया, आ जा। चलो फाइनली आ चुका है अपने को, देखो इसके लिए भी और क्या ही चाहिए होगा, बस हाँ डोर एस्केप करने के लिए अपने को फ्यूज़ मिल चुका है, सिर्फ जनरेटर मतलब वो इलेक्ट्रिक वाला ऑन करना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक ऑन करने के बाद अपने को चाहिए होगा ब्रिज क्रैंक, जो अगर मिल गया तो बस हो गया, फिर बात ख़त्म उधर ही, अपना काम बल्ले बल्ले हो जाएगा। अभी यार यहाँ पर क्या था मेरे को याद नहीं आ रहा है, कुछ अच्छा ही चीज़ था शायद से, मेरे काम का ही था,
बट अभी याद नहीं आ रहा क्या था, पर चलो कोई ना, आई थिंक सो ट्रेन की की थी, हाँ बराबर है, ट्रेन की की थी, चलो याद आ गया। ओके एंड मैं इस रूम में कुछ मिस तो नहीं कर रहा हूँ? यस यस यस, फायरवुड फायरवुड, या एक और बचा हुआ है, फायरवुड का भी अपना काम करना है, और ये वास फटाफट से पहले लेके जाके रख देते। वैसे पता नहीं ये काम आएगा कि नहीं आएगा, बट मैं कर रहा हूँ, ठीक है, शायद से काम आ जाए, क्योंकि कोई भी चीज़ मैं छोड़ नहीं सकता, जो भी मिल रहा है उनको फटाफट से लगा दे रहे। फ़िलहाल के लिए आई थिंक सो अभी वो लोग दोनों उठने वाले होंगे, ठीक है, तो उनको देख लेंगे। फ़िलहाल के लिए इसको यहाँ पर चुपचाप से चिपका देते हैं। एंड अब मैं सोच रहा हूँ कि अब फायरवुड का थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर लिया जाए, कौवे को भगाने का तैयारी करते, उसके पास भी कुछ अच्छा चीज़ था तो वहाँ से लेते, आई थिंक सो हाँ शेड की था ना उसके पास, तो चलते हैं एक बार के लिए, पहले इन दोनों को चटकाऊंगा। यस भाई देखो, मैं पहले बोला रिस्क नहीं लेना है मुझे बिल्कुल भी, इस बार भाई इन दोनों को बहुत मारूंगा मैं, जितना ये लोग ने मारा है ना सबका बदला लूंगा आज। चलो फिलहाल के लिए एक और पत्थर ढूंढ रहा हूँ, मैं मिल जाए तो मैं दोनों को चटका दूँ आराम से, फिलहाल के लिए मिलेगा नहीं ना यार जल्दी। अभी हो रही ग्रैनी, अरे ग्रैनी इधर आ इधर आ, तेरे से एक काम है। चल यही काम था, बुड्ढा भी मिल जाता फटाक से तो मज़ा आता। अरे आ गया, बुड्ढा भी आ गया, चलो भाई लॉल, अपना काम तो बहुत आसान हो गया भाई, मैं तो सोचता थोड़ा मुश्किल होगा पर हो गया। देखो अब मैं काम करने वाला, माचिस यहीं पर पड़ा हुआ है, तो एक काम कर सकते, पहले मैं पत्थर उठाता हूँ भाई, अभी पत्थर मिला तो इसको रख लेते हैं, क्योंकि भाई बाद में ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पहले इस माचिस को उठाते हैं, माचिस की डिब्बी को, उसके बाद इसको लेके जाके यहीं पर पटक देते, फिर फटाफट से लेके जाते हैं फायरवुड और आग लगा देते भाई, कौवे में आग लगा देते, ठीक है। चलो फिलहाल के लिए फटाफट से चलते, आ जा भाई फायरवुड लेके चलते, उसके बाद अभी जब तक तो जिंदा नहीं हुए रहेंगे वो लोग, तो हम लोग बाकी के काम देख लेंगे, पहले इसको निपटाते फटाफट से। भाई इस बार तो मुझे लग रहा है कि मैं एस्केप कर लूँगा, जिस हिसाब से मैं खेल रहा हूँ ना सावधानी के साथ, भाई मेरे को लग रहा है एस्केप कर लेंगे इस बार तो। ग्रैनी और ग्रैंडपा दोनों की अम्मा बहन एक कर दिया मैंने, फिलहाल के लिए यहाँ पर रख देते इसके अंदर फायरवुड एंड माचिस, तो अभी यहाँ पर मिल जाएगा फटाफट से। तो उसके बाद हम लोग को चलना पड़ेगा कौवे दादा के पास, तो कौवे को भी थोड़ा मनाना पड़ेगा, या के लिए कौवे को मनाने के लिए तो हम लोग के पास वो कौवा रहेगा ही नहीं उस जगह पे, उड़ गया रहेगा ना धुएं की वजह से। तो यहाँ पर इसको आग लगा देते फटाफट से, चल भाई लग गया आग, माचिस के डिब्बे को फेंको और चलते कौवे के पास। कौवे के पास शेड की मिल जाएगा, तो उसके बाद मुझे एक चाहिए होगा जनरेटर केबल, ठीक है, जनरेटर केबल ढूंढना पड़ेगा जिससे मैं इलेक्ट्रिक करंट पास कर सकूँ, तो अपना काम ज़्यादा आसान हो जाएगा, फिर लिफ्ट भी चालू हो ही जाएगी। ओके मुझे लगा था शेड की है, तो इसको यहीं से ड्रॉप कर देते। ओके यहीं से ड्रॉप करके आई थिंक सो अभी हमको नीचे जाना चाहिए, या फिर शॉटगन ले लूँ, नहीं नीचे जा सकते हम लोग, क्योंकि पहले मैं सोच रहा कि एक बार चटका सकते, इसके अंदर कुछ पड़ा है नहीं, इसके अंदर तो क्या था जो था वो शायद से ले लिया ना हमने, तो अभी तो कुछ करना है नहीं। तो एक और बार बुड्ढे और बुड्ढी दोनों को मार देते हैं भाई, दोनों को मारने में बहुत मज़ा आ रहा है मेरे को, तो आज एक भी मौका नहीं छोड़ूंगा ये लोग से साथ बदला लेने का। फिलहाल के लिए बुड्ढी तो गई, तो बुड्ढा भी आते ही होगा जल्दी से, भाई पीछे से ना आ जाए भाई, मैं वही देख रहा हूँ, पीछे से अगर आ गया ना तो फिर ले भाई ख़त्म। फिलहाल के लिए अभी तो जब तक उसका बंदूक मेरे पास है तब तक मैं एकदम सेफ हूँ, मेरा कोई घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, बस मैं बुड्ढे का इंतज़ार कर रहा हूँ, आ जाता तो उसको भी चटका ही देते। कहाँ रह गया रे बुड्ढे, वो सुकड़े बैल भाई आने का नाम ही नहीं ले रहे, तो मर जा भाई, मेरा टाइम वेस्ट करते भाई इसने बहुत। वो देखो ग्रैनी जिंदा होने वाली है भाई, क्या कर रहा था तू मुट्ठी। तो यहाँ से फटाफट से हम लोग क्रोबार उठा लेते हैं भाई, इसकी हम लोग को बहुत ज़रूरत है, एंड यहाँ पर अपना फ्यूज़ तो पड़ा ही है भाई, देखते पहले इस डब्बे के अंदर क्या है, कुछ अच्छा मिल जाए। ओ भाई जनरेटिंग केबल मिल गया, लेट्स गो, जनरेटर केबल मिल चुका है, एंड शेड की तो अपने पास था ही, तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं, तो अब बस अपने को चाहिए क्या, देखो फ्यूज़ भी मिल चुका है एंड इलेक्ट्रिसिटी भी मिल चुकी है, बस आई थिंक सो हम लोग एस्केप कर सकते हैं। नहीं नहीं अपने को वो भी तो चाहिए होगा ब्रिज क्रैंक, बिना उसके तो हम लोग एस्केप कर ही नहीं सकते, तो अभी वो भी ढूंढना पड़ेगा कहाँ पर रखा होगा। वैसे वो जहाँ पर सिलेंडरियाँ रहती है वहाँ पर एक और डब्बा है, तो आई थिंक सो उसके अंदर मिल सकता है अपने को। फिलहाल के लिए शेड की कहाँ चला गया यार, कहाँ पर था, यहीं कहीं था ना शेड की, तो बाहर ही था पता नहीं आप अभी यहाँ पर कहाँ से पहुँच गया भाई शेड की, इसकी भैंस के यहाँ पैर आ गए क्या शेड की को, भाई अब मेरे को इसको वापस से ऊपर लेके जाना पड़ेगा, एंड अब मेरे को डर लग रहा है भाई, बस एक शेड की वजह से मैं नहीं भाई, मुझे लगा ही था ग्रैनी आ गई, भाग भाग जल्दी भाग भाई, अब मैं एक शेड की वजह से नहीं मरना चाहता, ठीक है बिल्कुल भी नहीं, और मेरे को लग रहा है वो बहुत तेज़ी से आ रही है, बहुत तेज़ी से मुझे मारने के लिए। फिलहाल के लिए अभी मैं एक काम कर सकता हूँ इसको चकमा देने के लिए, यहाँ से निकलते फटाफट से,
ओके गेट भी खुला है, कहीं बुढ़ा तो यहीं पर आके मेरा इंतज़ार नहीं कर रहा? नहीं, अच्छा पुट्ठा पट्ठा यहाँ पर रखा हुआ है, आई मीन प्लैंक यहाँ पर रखा हुआ है। अबे यार इसको कहाँ कहाँ ढूंढा मैं, वैसे ही आई डोंट थिंक सो अब इसका ज़रूरत पड़ेगा। नहीं नहीं पड़ सकता है, प्लैंक का भी ज़रूरत पड़ सकता है हम लोग। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर ग्रैनी का वेट कर रहा हूँ, ग्रैनी आ जाए तो फिर मैं यहाँ से निकलूँ फटाफट से। ग्रैनी आ जा भाई, तेरा ही तो इंतज़ार कर रहा हूँ मैं कब से। आ गए आ गए, चलो यहाँ से आई और यहाँ से मैं निकलता हूँ। प्लैंक भी मुझे लेके आना पड़ेगा, आई थिंक सो मुझे इसका बहुत ज़्यादा काम लग सकता है। फिर अकेले अपना वो एक क्रोबार वहाँ पर पड़ा हुआ है तो उसको भी ले लेंगे हम लोग। ट्रेन के लिए अपने को क्या क्या चाहिए था? देखो एक ट्रेन के की चाहिए रहता है एक्सेलेटर, तो हम लोग को पता ही नहीं, एक्सेलेटर भी नहीं मिला हुआ है अभी तक, तो सिर्फ ट्रेन की मिली कॉइन का भी। अरे यार बुड्ढा यहाँ पर है भाई, अच्छा वो ग्रैनी पीछे से नहीं आ रही है, नहीं तो अभी बीच में मेरे को दोनों मार देते। और सबसे बड़ी अच्छी बात तो ये है कि ग्रैंडपा के पास उसका बंदूक नहीं है, जो कि मैंने चुरा लिया है और अब दूंगा भी नहीं उसको जल्दी में, ठीक है। फिलहाल के लिए यहाँ पर एक पत्थर पड़ा हुआ है तो पत्थर ले लेते हैं। अब मैं सोच रहा हूँ इन दोनों को एक बार चटका दूँ, मैं एक बार इन दोनों को चटका दूंगा ना, तभी ये लोग का अक्ल देना थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, नहीं तो इन दोनों का दिमाग फिर चुका है, ठीक है पागलों की तरह। तो सोच रहा हूँ मैं इन दोनों को एक बार चटका दूँ। आ जा ग्रैनी, तेरे तो इंतज़ार कर रहा था मैं। अरे बुड्ढे को साथ में नहीं लेके आई यार, अब उसको मैं उसका इंतज़ार करते बैठूंगा क्या मैं? जल्दी बुला उसको, बुड्ढे जल्दी आ इधर, काम है एक बहुत ज़रूरी बात करना है तेरी वाइफ के बारे में मुझे। इधर आ इधर आ जल्दी, कहाँ रह गया यार, अब दिमाग मत ख़राब कर, जल्दी आ जा। बुड्ढे देख अगर तू आ गया, मैं अभी तेरे को धमकी देने वाला था, अच्छा हुआ तो पहले ही आ गया मैं, नहीं तो देख अगर मेरा दिमाग ख़राब होता था मैं बहुत मारता तेरे को, ठीक है। चल मर यहाँ से अभी। फिलहाल के लिए देखो अब हम लोग ने इलेक्ट्रिक ऑन कर दिया है, ठीक है इलेक्ट्रिक हम लोग ने चालू कर दिया, तो अब बस हम लोग को सिर्फ ब्रिज क्रैंक ढूंढना है, जो कि आई थिंक सो हम लोग को वो प्लैंक से मिल सकता है, और क्या ही कर सकते हैं। एक बार प्लैंक उठा के देखते हैं, प्लैंक से मिल गया तब तो मज़ा ही आ जाएगा, तो फिर हम लोग को बाकी सब झंझट मारी नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर कहाँ पर इसके अंदर था ना, चलो यहाँ से चलते हैं फटाफट से भाई। ये तो अच्छा अभी तक उसके बंदूक मैंने इस जानबूझ के ना बंदूक एकदम छत पे छुपा के रखा था, ताकि बुड्ढे के हाथ ना लगे, क्योंकि अगर बुड्ढे के हाथ भी लग जाता है ना तो भी वो फिर बहुत नाटक करता है, चुरा लेता है भाई मुझसे, तो इसलिए मैंने उसको एकदम टॉप पे रख दिया, वहाँ पर उसका हाथ कभी पहुँच ही नहीं सकता। और फिलहाल के लिए मैं इसका ट्राई करने वाला हूँ भाई, इसके अंदर मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। अरे यार नीचे गिर गया भाई, बहुत भारी है ना, मैं उठा नहीं पाया प्लैंक। और फटाफट चलते अब यहाँ से ऊपर चलते भाई, बस उसके अंदर भाई ब्रिज क्रैंक मिल जाए मज़ा आ जाएगा, बस और कुछ नहीं चाहिए मेरे को, फिर तो यहाँ से मैं निकल लूँगा। देखो इलेक्ट्रिसिटी चालू है, फ्यूज़ भी मुझे पता ही है कहाँ पर है, तो वहाँ से फटाफट से लेके आ जाएंगे हम लोग। फिलहाल के लिए कहाँ गया ये भैंस, गया मिल गया, ओ भाई मिल गया, लेट्स गो, जो चाहिए था हम लोग को मिल गया, मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आ गया। अब तो बस कुछ करना है ही नहीं हम लोग को, फटाफट से चलते हैं इसको और इसको लगा देते हैं ना वहीं पर। एंड मैं सोच रहा भाई जाते जाते एक दो बार तो ग्रैनी को दो और बुड्ढे को दोनों को चटकाऊंगा मैं। फिलहाल के लिए अभी चलते हैं इसको चुपचाप से लगा देते हैं, एंड इसके बाद मुझे फ्यूज़ लेके आना पड़ेगा, नीचे से फ्यूज़ लेके आते हैं दोबारा से। ज़िंदा तो हो गए होंगे वो लोग कब का, पर मैं क्या कर सकते हैं अभी। चलो यहाँ पर ये उठाते हैं, यहाँ पर इसको बाद ये भी रख लेते हैं, एक स्टोन मिला है, एक और मिल जाता तो चटका देता मैं। यस यहाँ पर पड़ा हुआ है ना, अब आएगा मज़ा, इन दोनों को एक बार चटका देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आराम से फ्यूज़ लेके आऊँगा। चलो आ गया बुड्ढा, आ गया बुड्ढी भी आ गई भाई, दोनों साथ साथ क्या करते रहते हो भाई, साथ साथ घूमते रहते हो बिना मतलब का। चलो कोई, अरे भाई ग्रैनी को देखा क्या गिरी है, ग्रैनी तो भाई एकदम फुल मस्त वाली गिरी, मज़ा आ गया। और रेड तो हम लोग अपने काम पे ध्यान देते हैं, उन दोनों को तो गिरने पड़ते रहते हैं वो लोग। फिलहाल के लिए फटाफट से चलते हैं फ्यूज़ लेके आते हैं, एंड बस अपना काम हो चुका है, हम लोग एस्केप कर दिए भाई फाइनली। बोला था ना इस बार भाई दोनों को चटका दूंगा मैं, इस बार तो हो गया। चलो फटाफट से लेते हैं फ्यूज़, ऊपर चलते लगा देते हैं, एंड यस वी आर डन। सो या फाइनली भाई एस्केप कर लिया नॉर्मल बोर्ड पे। भाई थोड़ा भाई मैं बहुत मार खा चुका इन दोनों के हाथ से, बस अब नहीं, ठीक है। और इजीली बहुत इजीली एस्केप कर दिया भाई, ये प्लान मेरा थोड़ा काम कर गया कि एक बार पहले चटका वो लोग को, ताकि हम लोग को भाई थोड़ा बचने का मौका मिल जाए, नहीं तो बिना मैं तो पहले ऐसे ही करता था, बिना मारे दोनों को चटकाए निकल लेता था। और ये अपना गेट हो चुका है ओपन, लेकिन मैं ऐसे नहीं जाऊँगा ना, ऐसे मैं नहीं जाने वाला, मैं एक और बार ग्रैनी और ग्रैंडपा को दोनों को चटकाऊँगा भाई। जा रहा तो थोड़ा सा एकदम अच्छा से जाऊँ ना मैं, ठीक है। यहाँ से नीचे से नहीं, नहीं हम लोग ऊपर से भी जा सकते, ऊपर से ज़्यादा इजी रहेगा, यहाँ से क्या पता कोई अचानक से आके सामने से मार दिया मेरे को, तो नहीं नहीं ऊपर से चलते, ठीक है। क्योंकि भाई पता नहीं कौन कब सामने से आ जाए, कोई भरोसा नहीं है दोनों का, क्या पता मुँह के सामने स्पॉन हो जाए। तो यहाँ से चलते फटाफट से नीचे, आराम से चलते भाई, गिरना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर तू गिरा तो फिर अच्छा नहीं होगा।
चलो यहाँ पर मस्त, अब रेडी हो जाओ भाई, बुढ़ी और बुढ़ा। अबे यार पहले तो गोली, अच्छी गोली भी तो मिल जाएगी यहाँ पर। यस गोली गाड़ी के अंदर ही रखा हुआ था। बस अब करना कुछ नहीं है, अब दोनों का इंतज़ार करना है और फिर यहाँ से निकल जाएंगे हम लोग। लेट्स गो भाई, लोग एस्केप कर रहे हैं हम लोग। आ जाओ बुढ़ा बुढ़ी जो भी है यहाँ पर, जिसको भी पहले मरना है जल्दी आओ। पहले तो बुढ़ी आएगी क्योंकि आवाज़ हुआ है, ठीक है। बुढ़ी पहले आएगी, फिर उसके पीछे भी बुढ़ा भी भागते भागते आएगा और दोनों को मैं मार दूंगा इजीली। एंड उसके बाद कुछ नहीं, बस यहाँ से निकल जाएंगे, घर पे जाएंगे अपना। अरे बुढ़ा पहले आ गया, चलो बुढ़ी भी साथ में आ रही। चल बुढ़े और बुढ़ी आ जा, तू भी आ जा, ये ले आ जा भाई। चलो अब यहाँ से ये ले तेरा बंदूक बुढ़े, अब इस बुढ़े बंदूक के साथ तू रह बुढ़ी के साथ और मैं यहाँ से चला। लेट्स गो। सो यार वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक करना, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ तुम लोग अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।